यदि आपका भी खाता एक्सिस बैंक में है और आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड को मैनेज करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है तो उस डेबिट कार्ड का हम कई तरह से यूज करते हैं, जैसे कि एटीएम मशीन से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, पीओएस मशीन से शॉपिंग करना, कॉन्टेक्टलेस तरीके से पैसे विड्रा करना या फिर बिल का भुगतान करना। इसके अलावा हम अपने डेबिट कार्ड का यूज भारत में तो कर ही सकते हैं, भारत के अलावा हम विदेशों में भी कर सकते हैं, तो हम चाहें तो उसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड को मैनेज कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें लॉगिन पिन डालकर लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। हमें यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड को मैनेज करना है तो इसके लिए हम पेज को इस तरीके से ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ नीचे में कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सर्विसेज, हमें सर्विसेज में क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है डेबिट कार्ड मैनेज यूजेज, इसमें क्लिक करेंगे। मेरे अकाउंट में एक ही डेबिट कार्ड है इसलिए यहाँ पर एक ही डेबिट कार्ड शो हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में एक से ज़्यादा डेबिट कार्ड होंगे तो इस डाउन एरो पर क्लिक करके आप उन सभी डेबिट कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मेरे अकाउंट में एक ही डेबिट कार्ड है इसलिए मैं इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में दो ऑप्शन दिए हैं, पहला है डोमेस्टिक यानी घरेलू, दूसरा है इंटरनेशनल यानी विदेशों के लिए। यहाँ डोमेस्टिक में पहले नंबर दिया है एटीएम विड्रा लिमिट। मेरे इस डेबिट कार्ड का एटीएम विड्रा लिमिट है 50,000 रुपये। मैं चाहूँ यहाँ स्लाइड को इस तरीके से खिसकाकर एटीएम विड्रा लिमिट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ 30,000 रुपया। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है कॉन्टेक्ट लेस लिमिट, हालांकि मैंने इसे ऑफ करके रखा है। यदि हम इसे ऑन कर देते हैं तो मेरे इस डेबिट कार्ड का कॉन्टेक्ट लेस लिमिट है 5,00,000 रुपये का। यदि आपको ज़रूरत है तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। तीसरा है ई कॉमर्स लिमिट ऑनलाइन, तो मेरे इस डेबिट कार्ड का ई कॉमर्स लिमिट यानी ऑनलाइन वाला लिमिट है 5,00,000 रुपये का। इसे हम चाहें तो इस तरीके से स्लाइड करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं इसका ऑनलाइन लिमिट कर देता हूँ 5,000 रुपया। चौथे नंबर दिया है पीओएस लिमिट, यहाँ पर भी मेरे डेबिट कार्ड का लिमिट है 5,00,000 रुपये का। चलिए मैं पीओएस लिमिट को 2,50,000 कर देता हूँ। ये सब अपने हिसाब से सेट करने के बाद यहाँ इस साइड में दिया है इंटरनेशनल, हम चाहें तो इंटरनेशनल को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। हालाँकि अभी मैंने इंटरनेशनल का स्विच यहाँ से ऑफ करके रखा है, हम चाहें तो इसे इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद इसे हम उसी तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, केवल मुझे अपने डेबिट कार्ड का डोमेस्टिक यूज मैनेज करना है। अब इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया है कंफर्मेशन के लिए, तो जो भी हमने यहाँ पे अपने हिसाब से लिमिट सेट किया है वो सब कुछ एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे दिया है कन्फर्म, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन का एम पिन। तो यहाँ देखिए लिखा आ गया योर रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, नया वाला लिमिट यहाँ पे दिया है, हालांकि इंटरनेशनल को मैंने ऑफ करके रखा था इसलिए यहाँ पे 00 शो हो रहा है। अब चलिए यहाँ नीचे से बैक टू होम पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने एक्सिस बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आप लोग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेज वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।